बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ करेंसीज़। यहाँ पे राइट है, अ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट इज़ अ प्राइस डेट रिप्रेजेंट्स हाउ मच इट कॉस्ट टू बाय द करेंसी ऑफ वन कंट्री यूजिंग द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। अब यहाँ पे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट एक कीमत है जो कि जाहिर करती है जब एक मुल्क दूसरे मुल्क की करेंसी को इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे जो बाइंग कास्ट होती है वो कहलाती है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे जब एक कंट्री दूसरे कंट्री की करेंसी को यूज़ करता है तो किस तरह से बाइंग रेट को यूज़ करता है करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे एक टेबल गिवन है, यहाँ पे कंट्रीज़ हैं यूएसए, यूके, सऊदी अरेबिया, इंडिया। करेंसी यूएसए की करेंसी कहलाती है डॉलर, यूके की करेंसी कहलाती है पाउंड्स, सऊदी अरेबिया की करेंसी कहलाती है रियाल, इंडिया की करेंसी रुपीज़। अब यहाँ पे ये सैम्बल्स हैं इन करेंसीज़ के। बाइंग रेट ये गिवन है, सेलिंग रेट ये गिवन है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो रेट्स दिए हुए हैं बाइंग रेट, सेलिंग रेट, ये डे बाय डे चेंज होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.19 को सॉल्व करेंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ये जो रेट गिवन है इनको यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 1.19 में कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ को डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज़ में। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.19। एक्सरसाइज 1.19 क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट रुपीज़ 70,000 इनटू यूएस डॉलर इफ़ द कन्वर्जन इज़ 1 यूएस डॉलर इज़ इक्वल रुपीज़ 181.70। अब यहाँ पे ये रेट गिवन है, हमने 70,000 रुपीज़ को कन्वर्ट करना है अमेरिकी डॉलर्स में, ये एक डॉलर का रेट गिवन है। सॉल्यूशन इज़, यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, रकम जिसे तब्दील करनी है, वो रकम जिसे तब्दील करनी है वो रकम है रुपीज़ 70,000। अब यहाँ पे राइट करेंगे रेट ऑफ, अब यहाँ पे ये रेट गिवन है रेट ऑफ 1 यूएस डॉलर, एक यूएस डॉलर का रेट गिवन है रुपीज़ 181.70। अब यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ यूएस डॉलर, नंबर ऑफ यूएस डॉलर, यूएस डॉलर की तादाद होगी क्योंकि यहाँ पे हमने रुपीज़ को कन्वर्ट करना है यूएस डॉलर में, तो यहाँ पे तादाद बनेगी या नंबर्स बनेंगे यूएस डॉलर के। यहाँ पे राइट करेंगे 70,000 को डिवाइड करेंगे रेट के साथ, यहाँ पे राइट करेंगे 181.70। आपने जो रुपीज़ होंगे इनको डिवाइड करना है रेट के साथ, ये एक यूएस डॉलर का रेट गिवन है। पॉइंट ऑफ करेंगे, पॉइंट ऑफ करेंगे, यहाँ पर राइट करेंगे 70,000, यहाँ पर राइट करेंगे 181.70, मल्टीप्लाई पॉइंट का 1 राइट करेंगे, राइट साइड पे 2 डिजिट हैं 20 राइट करेंगे, विदाउट पॉइंट वैल्यू राइट करेंगे 70,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे 70,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 लाख डिवाइड बाय, डिवाइड किया है तो यहाँ पे वैल्यू आई है 385.25। अब यहाँ पे यूएस डॉलर हैं, हमने यहाँ पे तादाद मालूम करनी थी यूएस डॉलर की, तो यहाँ पे नंबर्स हैं 385.25। अगर हम 70,000 रुपीज़ को कन्वर्ट करें यूएस डॉलर में तो यहाँ पे डॉलर्स होंगे 385.25। इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट रुपीज़ 75,000 इनटू यूके पाउंड्स, रेट गिवन है 1 यूके पाउंड इज इक्वल है रुपीज़ 237.5। हमने यहाँ पे ये जो रुपीज़ हैं इनको कन्वर्ट करना है यूके पाउंड्स में, एक पाउंड है 237.5 का,
यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, जो रकम कन्वर्ट करनी है वो रकम है ₹75,000। रेट गिवन है रेट ऑफ 1 UK pound का, यूके पाउंड का रेट गिवन है ₹237.5, एक यूके पाउंड का ये रेट है। अब यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ यूके पाउंड, हमेशा आपने रुपीज़ को रेट पे डिवाइड करना है। यहाँ पे राइट करेंगे रुपीज़ हैं 75,000, डिवाइड करेंगे 237.5 रेट के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमने यूके पाउंड्स में इसको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ करेंगे 75,000, यहाँ पे राइट करेंगे 237.5, पॉइंट का 1 राइट करेंगे और यहाँ पे 10 राइट करेंगे क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे 1 डिजिट है। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 75,000 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 7,50,000 डिवाइड बाय 2,375, डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को। अब यहाँ पे वर्किंग में डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 315.78, कन्वर्ट किया है रुपीज़ को यूके पाउंड्स में। यहाँ पे हमने तादाद मालूम करनी थी कि 75,000 रुपीज़ की कितनी तादाद बनेगी यूके पाउंड्स में, तो यहाँ पे यूके पाउंड्स हैं 315.7, तो यहाँ पे यूके पाउंड्स हैं 315.78। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बुक पे आंसर में यहाँ पे 9 राइट है, राउंड ऑफ करके यहाँ पे राइट किया गया है 9। अगर आप यहाँ पे 9 राइट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट एक और डिजिट तक आप इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे राउंड ऑफ करके आंसर आएगा 315.79। यहाँ पे मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पे मैंने आंसर राइट किया है यूके पाउंड्स 315.78। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट 50,000 इंटू सऊदी रियाल, रेट 1 Saudi riyal इज इक्वल ₹48। यहाँ पे 50,000 रुपीज़ को कन्वर्ट करना है सऊदी रियाल में। सॉल्यूशन है यहाँ पे अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, वो रकम जिसको कन्वर्ट करना है वो है ₹50,000। रेट यहाँ पे गिवन है रेट 1 Saudi riyal इज इक्वल है, 1 Saudi riyal का रेट है ₹48। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सऊदी रियाल, हमेशा रुपीज़ को आपने रेट पे डिवाइड करना है। यहाँ पे राइट करेंगे रुपीज़ है 50,000, रेट है 48, डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को। अब यहाँ पे वर्किंग में मैंने इसको डिवाइड किया है 50,000 को 48 पे, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 1,041.666। यहाँ पे राइट करेंगे 1,041.666। अब यहाँ पे राउंड ऑफ करके आंसर को राइट करेंगे 1,041.6। अब यहाँ पे ये जो 6 है इस 6 की वजह से 1 ऐड करेंगे इस 6 में, राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 7, 1,041.67 सऊदी रियाल। अब यहाँ पे नंबर्स हैं सऊदी रियाल जो हमने मालूम करने थे कि अगर हम 50,000 रुपीज़ को कन्वर्ट करें सऊदी रियाल में तो यहाँ पे नंबर्स आएंगे, तादाद आएगी 1,041.67 सऊदी रियाल, इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट रुपीज़ 48,000 इंटू इंडियन रुपीज़, 1 Indian rupee इक्वल ₹2.03। अब यहाँ पे 48,000 रुपीज़ को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना है, 1 Indian rupee का रेट गिवन है। सॉल्यूशन इज यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, अमाउंट है यहाँ पे राइट करेंगे ₹48,000। अब यहाँ पे रेट गिवन है रेट ऑफ 1 Indian rupee, वो है रुपीज़
2.03। नंबर तादाद मालूम करनी है कि अगर हम 48,000 को कन्वर्ट करें इंडियन रुपी में तो कितने इंडियन रुपीस बनेंगे, इनकी तादाद मालूम करनी है। नंबर ऑफ इंडियन रुपी, रुपीस को डिवाइड करेंगे रेट पे, 48,000 रेट है 2.03। पॉइंट ऑफ करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 48,000 डिवाइड करेंगे 2.03 मल्टीप्लाई पॉइंट का 1 राइट करेंगे, राइट साइड पे 2 डिजिट हैं, 20 राइट करेंगे। अब यहाँ पे विदाउट पॉइंट वैल्यू राइट करेंगे 48,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 203। 48,000 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 48 लाख, डिवाइड करेंगे 203 पे, ये वैल्यू डिवाइड करेंगे। वर्किंग में 48 लाख को डिवाइड करेंगे 203 पे तो यहाँ पे डिवाइड करके वैल्यू आई है 23,645.32। अब यहाँ पे इंडियन, अब यहाँ पे इंडियन रुपीस हैं 23,645.32। अब यहाँ पे हमने मालूम करना था 48,000 को अगर हम कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में तो कितने इंडियन रुपीस बनेंगे, तो यहाँ पे तादाद है 23,645.32। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट रुपीज़ 35,000 इंटू ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल रुपीज़ 134। ये रुपीज़ हैं, इनको कन्वर्ट करेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, ये रेट गिवन है। यहाँ पे सॉल्यूशन है अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, वो रकम जिसको कन्वर्ट करना है वो रकम है रुपीज़ 35,000। रेट गिवन है रेट ऑफ 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट है 134। नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे मालूम करने हैं, नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर मालूम करेंगे, 35,000 को डिवाइड करेंगे 134 के साथ, वर्किंग में 35,000 को डिवाइड करेंगे 134 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 261.19। नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 261.19 डॉलर्स। अब यहाँ पे तादाद हमने मालूम कर ली 261.19 डॉलर्स, इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट रुपीज़ 80,000 इंटू चाइनीज यन, 1 चाइनीज यन इज इक्वल रुपीज़ 23.55। यहाँ पे 80,000 रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे चाइनीज यन में, 1 चाइनीज यन का रेट गिवन है 23.55। यहाँ पे राइट करेंगे सॉल्यूशन है अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, वो रकम जिसको कन्वर्ट करना है चाइनीज यन में रुपीज़ हैं 80,000। रेट यहाँ पे गिवन है, राइट करेंगे रेट ऑफ 1 चाइनीज यन, 1 चाइनीज यन का रेट गिवन है रुपीज़ 23.55। नंबर्स हमने तादाद मालूम करनी है कि 80,000 के कितने चाइनीज यन होंगे तो यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ चाइनीज यन, यहाँ पे राइट करेंगे 80,000 को डिवाइड करेंगे रेट के साथ 23.55। अब यहाँ पे चीनी यन यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इनको, पॉइंट ऑफ करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 80,000, यहाँ पे राइट करेंगे 23.55, मल्टीप्लाई पॉइंट का राइट करेंगे 1, राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं, 20 राइट करेंगे। यहाँ पे 80,000 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 80 लाख, विदाउट पॉइंट वैल्यू राइट करेंगे 2355। डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, 80 लाख को डिवाइड करेंगे 2355 पे, वर्किंग में 80 लाख को डिवाइड करेंगे 2355 पे तो यहाँ पे वैल्यू आई है 3397.027। अब यहाँ पे चाइनीज यन की तादाद मालूम कर ली, राइट करेंगे 3397.027
7 80,000 रुपीस को चाइनीज यन में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे तादाद आएगी 3,397.027 चाइनीज यन। क्वेश्चन नंबर 7 कन्वर्ट रुपीस 50,000 इनटू कैनेडियन डॉलर। 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल रुपीस 142.50। 50,000 रुपीस को कन्वर्ट करना है कैनेडियन डॉलर में, ये रेट गिवन है। यहाँ पे राइट करेंगे सॉल्यूशन है अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, वो अमाउंट है 50,000 रुपीस। 50,000 रेट अब यहाँ पे गिवन है रेट ऑफ 1 कैनेडियन डॉलर, रेट है 142.50। नंबर यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ कैनेडियन डॉलर। अब यहाँ पे हमने मालूम करना है कि 50,000 कितनी तादाद होगी कैनेडियन डॉलर्स की, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 50,000 को 142.50 पे, पॉइंट ऑफ करेंगे 50,000, यहाँ पे राइट करेंगे 142.50 मल्टीप्लाई पॉइंट का 1 राइट करेंगे, राइट साइड पे 2 डिजिट हैं 20 राइट करेंगे, ये 0 इस 0 के साथ ऑफ करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू होगी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 को, 5 लाख डिवाइड बाय 1,425 डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को। अब यहाँ पे वर्किंग में 5 लाख को डिवाइड करेंगे 1,425 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 350.877। यहाँ पे राइट करेंगे 350.877, राउंड ऑफ करके यहाँ पे वैल्यू आएगी 350.87 की वजह से 1 ऐड कर देंगे 7 में, राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 350.88 कैनेडियन डॉलर्स हैं। अब यहाँ पे 50,000 रुपीज जब कन्वर्ट होंगे कैनेडियन डॉलर में तो यहाँ पे तादाद होगी 350.88 कैनेडियन डॉलर्स। क्वेश्चन नंबर 8 कन्वर्ट रुपीज 70,000 इंटू तुर्किश लीरा। 1 तुर्किश लीरा इज इक्वल रुपीज 12.24। अब यहाँ पे 70,000 रुपीज को कन्वर्ट करेंगे तुर्किश लीरा में, यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, जो रकम कन्वर्ट करनी है तुर्किश लीरा में वो रकम है रुपीज 70,000, रेट गिवन है रेट ऑफ 1 तुर्किश लीरा, 1 तुर्किश लीरा का रेट है रुपीज 12.24। नंबर यहाँ पे मालूम करने हैं नंबर ऑफ तुर्किश लीरा, रुपीस को कन्वर्ट करेंगे तुर्किश लीरा में, डिवाइड करेंगे रुपीस को रेट के साथ 12.24 के साथ, पॉइंट ऑफ करेंगे 70,000 डिवाइड बाय 12.24 मल्टीप्लाई पॉइंट का 1 राइट करेंगे, राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं 20 राइट करेंगे, 100 को 70,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 70 लाख डिवाइड बाय 1224 डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, वर्किंग में 70 लाख को डिवाइड करेंगे 1224 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 5,718.95। अब यहाँ पे तुर्किश लीरा की तादाद है 5,718.95। अब यहाँ पे तुर्किश लीरा की तादाद हमने मालूम कर ली 5,718.95, इट इज़ आंसर।